तो फ्रेंड्स आप सबसे पहले इस वीडियो को देख लीजिए। ओके, हालत खराब है देखिए। अब ये क्यों रो रहे हैं ना, इसके पीछे मैं आप लोगों को रीजन बता। तो फ्रेंड्स ये बंदा क्यों रो रहा है दोस्तों, इसका रीजन क्या है और इसने कैसा गलती कर दिया। एंड दोस्तों जो ये गलती क्या है, ये गलती आप पर ना बीत सके तो दोस्तों वीडियो को फुल वॉच करना, तभी आप लोगों को समझ में आएगा। क्योंकि दोस्तों आज मैं आपको इस बंदे के बारे में बताने वाला हूँ जिसका लगभग 3 लाख सब्सक्राइबर था दोस्तों। ये मनोज देव भैया के पास गए थे, मनोज देव भैया ने इसको सजेशन दिया, कुछ अपनी तरफ से जितना हेल्प हो सका उतना उन्होंने अपने तरफ से हेल्प किया दोस्तों। तो दोस्तों इस बंदे का गलती क्या था दोस्तों, ये क्या करता था कि जैसे कि YouTube में बहुत ही अच्छा पॉलिसी है या खराब पॉलिसी आप लोग बोल सकते हो, YouTube जब तक आपका चैनल मोनेटाइज नहीं रहता है ना, तो उस टाइम तक आप अपने चैनल में कुछ भी कर लोगे, कुछ अपने से कुछ कर एक्सपेरिमेंट करते रहो, जितना भी कुछ करना चाहो बिना मोनेटाइजेशन के पहले कर सकते हो दोस्तों। यदि आपका चैनल मोनेटाइज हो जाएगा उसके बाद अगर आप अपने चैनल पे अपना एक्सपेरिमेंट दिखाओगे ना, तो दोस्तों आपका जो चैनल है ना जो मोनेटाइज है वो भी डाउन हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। क्योंकि YouTube का बहुत ही हार्ड लेवल का पॉलिसी होता है मोनेटाइजेशन के बाद, उससे पहले तो आप बंदा कुछ भी वीडियोस को डालता है, अंडरस्टैंड कुछ भी डाल देता है जिससे उसका वीडियोस चल जाता है, लेकिन मोनेटाइजेशन के बाद वो नियम उस पर लागू हो जाता है दोस्तों, उसमें हल्का सा मेहनत करना पड़ता है दोस्तों। ये बंदा करता क्या था दोस्तों, जब ये अपने वीडियोस को बनाता था एंड दोस्तों अपलोड करता था ना, तो जब तक इसका चैनल मोनेटाइज था उससे पहले ये अपने वीडियोस को देखता था, तो वही आदत, ठीक है, वही जो सेम आदत चैनल मोनेटाइज होने से पहले से जो अपने वीडियोस को ही देखता था अपने फोन से अपने ही ईमेल आईडी से, ठीक है, 4-5 बार मतलब दिन भर में जितना मतलब अपने से देख वॉच टाइम को इंक्रीज करता था। उसके बाद जब इसका चैनल मोनेटाइज हो गया दोस्तों, तो चैनल मोनेटाइज होने के बाद के वीडियोस पे आने लगे एड, ठीक है। अब एड आने लगे तो दोस्तों ये करता क्या था, जब जान रहा है कि मैं अपने से देख के अपने चैनल को मोनेटाइज कर लूंगा दोस्तों, तो ये सोचता था कि क्यों ना अपने ही से देख के अपने वीडियोस को देख के एड को देखा जाए। तो दोस्तों ये लगभग दिन भर में जितना भी देखता होगा इसे ही पता होगा। तो दोस्तों ये इस प्रकार से अपने वीडियोस को अपने फोन से देखता था अपने ईमेल आईडी से। इसमें क्या हुआ दोस्तों, यूट्यूब है ना, यूट्यूब का एल्गोरिथम कहता है कि यदि आप अपने चैनल के वीडियोस को अपने वीडियोस को अपने फोन से अपने ईमेल आईडी से खुद से देख के अपने वॉच टाइम को इंक्रीज करोगे, अपने एडवर्टाइजमेंट को खुद देखोगे, तो दोस्तों जो आपका मोनेटाइजेशन है वो डिसेबल्ड कर दिया जाएगा। तो दोस्तों यही गलती इस बंदे ने भी की, जिसके चलते इस बंदे का जो मोनेटाइजेशन ना वो डिसेबल्ड कर दिया गया। लगभग इसका 20-25 हज़ार इसका इनकम बना था, वो भी 2-3 साल के अंदर मेहनत किया था तब जाके इसका माय फर्स्ट पेमेंट आने वाला था। आप लोग इमेजिन कर सकते हैं दोस्तों, आप मेहनत करोगे 2-3 साल उसके बाद जो आपका पेमेंट आने वाला है दोस्तों, वो वही पेमेंट आपका डिसेबल्ड हो जाएगा और सारा पेमेंट रुक जाएगा, तो आपको कितना बुरा लगेगा। इसी के चलते ये बंदा इतना रो रहा है दोस्तों। अब आपको क्या करना है दोस्तों, मेरे को पता है कि जितने भी छोटे क्रिएटर हैं ये गलती सभी करते हैं, खुद मैंने भी कुछ दिन तक किया लेकिन फिर मेरे को पता चला कि ये नहीं करना था दोस्तों, इसको मैंने बंद कर दिया। आप भी करते होगे दोस्तों, मैं आपको 100% क्योंकि जो छोटे क्रिएटर रहते हैं दोस्तों वो क्या करते हैं, अपने वीडियोस को अपलोड करते हैं दोस्तों अपने फोन से 10-12 जीमेल आईडी बनाते हैं और उसी से देखना स्टार्ट करते हैं। एक जीमेल से देखा, 2 जीमेल से, 3, मतलब इस प्रकार से 15-20-25 व्यूज एक दिन में वो खुद से तुरंत अपलोड करते समय 1-2 सेकंड बाद वीडियो व्यूज आने स्टार्ट। वो किसी अदर स्ट्रेंजर से नहीं आ रहा, वो अपने से देख के ऐसा कर रहा। मेरे को पता है ये छोटे क्रिएटर जरूर करते हैं दोस्तों। हो सके तो आप अपने फ्रेंड को भेज दो, अपने फ्रेंड के फोन से वॉच कराओ, ये ना कि अपने ईमेल से, अपने आईडी से, अपने फोन से, दूसरे के फोन से, दूसरे के ईमेल आईडी से वॉच करो, इसे पता भी नहीं कर पाएगा कि आप अपने वीडियोस को खुद देख लो, क्योंकि जो फोन रहेगा वो दूसरे करेगा, दूसरे स्ट्रेंजर करेगा। गलती आपको नहीं करना दोस्तों। एंड दोस्तों ये गलती बहुत सारे लोग कर रहे हैं, इसी के चलते इस भाई का इतना बड़ा चैनल डेड नहीं हुआ दोस्तों। आपको टेंशन नहीं लेना, इस गलती से जो आपका चैनल है ना वो डेड नहीं होगा, खराब नहीं होगा, डिलीट नहीं होगा, बस आपका जो मोनेटाइजेशन है वो डिसेबल्ड कर दिया जाएगा। फिर से आप मेहनत करोगे तो आपका मोनेटाइजेशन अपडेट कर दिया जाएगा, ठीक है। लेकिन दोस्तों ये बंदे का ये भी नहीं कि ये बंदे अपने खुद के वीडियोस को देख देख के इतना सब्सक्राइबर इंक्रीज किया, नहीं दोस्तों, इनके वीडियोस पे देखोगे तो अच्छे खासे व्यूज भी आते हैं। बहुत सारे ऐसे गलती होते हैं यूट्यूब के मोनेटाइजेशन की पॉलिसी के हिसाब से, उनको अगर आप लोग फॉलो नहीं करोगे तो यही हालत होता है दोस्तों। बहुत सारे बंदे, ये नहीं बंदे, बहुत सारे ऐसे बंदे जो खुद का वीडियो खुद देखते हैं जिसके चलते उनका मोनेटाइजेशन अपडेट हुआ होता है लेकिन वो डिसेबल्ड कर दिया जाता है। तो दोस्तों ये गलती को आपको अपने माइंड में बिठा लेना, क्योंकि छोटे क्रिएटर करते हैं दोस्तों। ये बात मैं बार बार इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि ये जो गलती है ना, खास करके जो छोटे क्रिएटर है वो 100% करते हैं, अभी भी करते हैं, जो अभी नए आएंगे क्रिएटर वो भी करेंगे। आई होप आप लोग को ये अपडेट पसंद आया होगा। तो गाइस मैं फिर से एक बार बोल देना चाहता हूँ कि आप लोग ये गलती नहीं करो एंड जो यूट्यूब का पॉलिसी है उसको फॉलो करोगे तो आपका चैनल तुरंत इंक्रीज होगा दोस्तों, आपको किसी तरह का कोई प्रॉब्लम को सामना ना करना पड़ेगा। तो वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर दे एंड दोस्तों चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि इस चैनल पे इस प्रकार के वीडियोस अपलोड किए जाते हैं दोस्तों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी अगले टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।